See the man who won't stay for your meal, giving all the piece of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels.
इसके ग्रेट ग्रैंडफादर से प्रश्न कर लिया। अब वो इंटरेस्ट लगते लगते वो 10 रुपये तो 10 अरब रुपया बन गया, 10 अरब रुपया जो है। लिहाजा इसको डिस्करेज कर देंगे, डिस्करेज द लिटिगेशन में आपको मुकर करना पड़ा। उसके बाद और क्या बात हो कि इसमें ये तय करना है कि कोई शख्स अगर कोई हक रखता है और वो वक्त पर नहीं मानता तो इसके क्या मानते अगर आप अपने हकूक पर सो रहे हैं तो बुरा आपने अपने हक को वेव कर दिया। वेवर ऑफ राइट लिमिटेशन है। बाद लोग एक वक्त में अपने हकूक लेने में इंटरेस्टेड नहीं होते। अगर वो मुकर्रा वक्त तक इंटरेस्टेड न रहे और वो वक्त गुजरने के बाद उसका इंटरेस्ट पैदा हो जाए, जवाब ले लेते और कानून कहता है कि आपकी मंशा और मर्जी नहीं चलेगी, अगर आप अपने हकूक को लेने में इंटरेस्टेड नहीं है तो ये समझे कि आपके हकूक खत्म हो गए उस वक्त के गुजरने के बाद। दूसरी बात कि कानून ये कहता है अगर आपको कोई कहे कि जनाब ये आपका हक है और आप खामोश बन गए आपका और आप नहीं करना चाहते, यू आर स्टॉप, प्रिंसिपल ऑफ स्टॉप पर आपको लगना चाहिए कि आपका हक था, आपने अपने हक को इस्तेमाल नहीं किया, आपने अपने हक को एक्विसेंस कर लिया, उस एक्विसेंस की बिना पर अब आप स्टॉप हैं। इस तमाम असूलों को एक अथॉरिटी भी बंद हो गया, वो अथॉरिटी भी आपके लिए काम आते हैं। यानी ये तमाम तनाज़ात को खत्म करने का काम है।
अगर दो आदमी किसी नुकते पर किसी हक पर किसी ज्यादा में हलचल पैदा होगी, इस आदमी को
इस कानून के जो बुनियादी मकासद है वो मैंने आपको बताया। अब एक अथॉरिटी और आपको देना चाह रहा हूँ, इस कानून का पर्पस क्या है। 2000 CRC, page 1518 law of limitation sets out rules of governance and administration which have the effect of preventing the court from providing legal redress of rights to judicial process, even where such rights subsist. राइट मौजूद होने के बावजूद राइट को इस्तेमाल न करने के लिए कानून वजा करना लॉ ऑफ लिमिटेशन की बुनियाद पर है। और ऐसा क्यों किया इसके बारे में भी पहले आपको बता सकता हूँ। मेरा ख्याल है आज मान साहब ने काफी वक्त लिया, इसीलिए इतफा करें अगली बार इंशाल्लाह सेक्शन वाइज इस पूरे कानून को स्टडी करेंगे कि कौन सा सेक्शन क्यों बनाया गया और क्या बनाया गया, इसके कितने अजाय तब्दीली है और कौन कौन सा जुज क्या क्या मानी दे रहा है और किन किन सूरतों में हमें मदद देता है और किन किन सूरतों में हमें रोकता है। सबसे पहले हम सेक्शन 3 से शुरू करेंगे। उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स म्याद का उजर नहीं मिलेगा, इवन इफ दिस हैज नॉट बीन सेट अप एज ए डिफेंस, तब भी लिमिटेशन का सवाल उठाया जाएगा। इसलिए उठाया जाएगा कि इसकी अहमियत अपनी जगह पर यह है कि जो लोग अपने हकों पर सो जाते हैं उन्हें बाद में माशरे को डिस्टर्ब करने का इख्तियार नहीं। लिहाजा अगर कोई फरीक एतराज न भी करे तो यह अदालत की जिम्मेदारी है कि वो म्याद के सवाल को सबसे पहले देखें, और अगर मुकदमा जायदुल म्याद हो तो फौरी तौर पर ऑर्डर 7/11 के तहत प्लेट को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस पर थोड़ा सा भी देखेंगे रिजेक्शन ऑफ प्लेट क्या है और डिसमिसल ऑफ सूट क्या है। लिमिटेशन पर दावा रिजेक्ट कब होता है, लिमिटेशन पर सूट डिसमिस कब होता है, तो ये एक बड़ा अहम सवाल है। इसके लिए पहले हमें रिजेक्शन और डिसमिसल का फर्क पता होना चाहिए, रिजेक्शन क्या है और डिसमिसल क्या है। इसको भी हम प्रॉपर टाइम पे आपके सामने पेश करेंगे, आपको यहाँ से इन्वाइट करेंगे क्या आपने समझा और क्या सवाल आपके लिए मेरा हमारे भी काफी है।